back to our very own channel. I hope you all are doing absolutely fine. तो exams को बचे दो महीने बेटा, दो महीने जो बहुत crucial 2 months है. In fact मैं तो बोलूँ कि दो महीने भी नहीं, 50, 55 days समझो, because last का एक हफ्ता तो अपन first paper की पढ़ाई में बिता देते हैं. तो approximately ये जो 50 to 55 days होते हैं ना, ये होता है deciding time. क्योंकि अभी तक suppose आपने बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर ली, लेकिन ये दो महीने में आके बॉस अगर बैंड बज गई, टाइट फिश हो गई, तो आपको एग्जाम्स का जो मार्कशीट आता है ना, उसमें मार्क्स नहीं मिलते. बिकॉज यार लास्ट 2 महीने बहुत क्रूशियल होते हैं. और सपोज ऐसे लोग जिन्होंने अभी तक पढ़ाई नहीं की, लेकिन ये 2 महीने में आके सडनली जागरूक हो गए और बहुत ज्यादा पढ़ाई कर ली उन्होंने लास्ट 2 मंथ्स में, तो वो सबको पीछे छोड़ देते हैं, बाजी मार लेते हैं. तो दैट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज 50-55 days. जो मैक्सिमम 70-80% मार्क्स उस मार्कशीट पे आने वाले हैं, दैट इज गोइंग टू बी ऑन द बेसिस ऑफ द एफर्ट्स यू पुट इन द अपकमिंग 2 मंथ्स. तो बहुत क्रूशियल है ये टाइम. तो इसको प्रॉपरली कैसे चैनलाइज करना है, क्या रूटीन होना चाहिए, किस टाइप से आपको पढ़ाई करना चाहिए, क्या अप्रोच होना चाहिए, किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए, सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाली हूं. आपको बहुत यूजफुल रहेगा, आपको एंड तक सुनना, भले 1.5 स्पीड में देख लो बट एंड तक सुनना. एंड ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस गाइस टाइम टू टाइम मैं इस चैनल पे लाती रहूंगी. जैसे कि अभी आईसीआर बहुत सारे वेबिनार्स कंडक्ट करने वाला है, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजीज कंडक्ट करने वाला है, वो सब वेबिनार की समरीज भी इस चैनल पे आती रहेगी. तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकॉन हिट करके रखना. अभी जो एग्जाम्स को 60 डेज बचे ना, इसमें सबका स्टेटस तो सेम नहीं होता है. अभी इस टाइम पे ना बच्चे 5 क्राइटेरिया में डिवाइड हो जाते हैं. बिकॉज गाइस मैं कंसिस्टेंटली बच्चों के साथ टच में रहती हूँ, तो मुझे पता है कि किस स्टूडेंट का अभी क्या चल रहा है. तो मैंने ऑन अ ब्रॉडर लेवल बच्चों को 5 क्राइटेरिया में डिवाइड कर लिया है. आपको बस क्या करना है, आपका बकेट पिक करना है. उस पर्टिकुलर क्राइटेरिया ऑफ स्टूडेंट्स के लिए भी मैं एक अप्रोच बताऊंगी, आपको बस वो अप्रोच इंप्लीमेंट करना है. बिकॉज अभी सबके लिए सेम अप्रोच तो फॉलो नहीं होगा, राइट. तो आपको आपके लिए पर्सनलाइज स्ट्रैटेजी मिलने वाली है इस पर्टिकुलर वीडियो में. तो खुद का बकेट बस पिक कर लो. सबसे पहला जो फेमस लॉट है, उन बाप लोग यार उन्होंने अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की है, ऐसे लोग हैं. तो बेटा अगर अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की है तो अभी तक पॉसिबल है. कैसे पॉसिबल है, देखो अभी अप्रोक्सीमेटली ये जो महीना है सितंबर मंथ, आपको डेली बेसिस पे 12 आवर्स पढ़ाई करनी है, ठीक है. हर सब्जेक्ट को अपन 8 डेज देना शुरू करते हैं. तो 8 डेज एंड 12 आवर्स पर डे, दैट इज अराउंड 96 आवर्स पर सब्जेक्ट. कुछ 100 घंटे एक सब्जेक्ट को मिलेंगे अभी तक. एक ग्रुप पिक करो, जिस ग्रुप में भी आपको लगता है कि मुझे स्लाइटली ज्यादा कॉन्फिडेंस है वो ग्रुप पिक करना है. हर सब्जेक्ट को 8 डेज देना है. अप्रोक्सीमेटली 2nd-3rd October तक आपको फर्स्ट रीडिंग खत्म करनी है. अराउंड 100 आवर्स मिलेंगे यहाँ पे. नेक्स्ट रीडिंग जो रहेगी आपकी, सेकेंड रीडिंग रहेगी वो मंथ ऑफ अक्टूबर में. हर सब्जेक्ट को 4-4 दिन दो, रिविजन करो, आरटीपी सॉल्व करो, एक एक फुल सिलेबस का पेपर दे दो. वो हो जाएगा कुछ 17th-18th October तक. और उसके बाद अराउंड 19th-20th October से लेकर 25th October तक हर सब्जेक्ट को कुछ 1.5 डेज 2 डेज 1.5 डेज 2 डेज देके वो एग्जाम के पहले का वो रिहर्सल कंडक्ट कर लो कि एग्जाम के पहले मैं कैसे पढ़ाई करने वाली हूँ, और एक और पेपर सॉल्व कर दो. और 26th के बाद आप आपकी फर्स्ट पेपर की पढ़ाई बिगिन कर सकते हो. तो इसको मैं बोलती हूँ 32-16-8 रूल. 32 डेज फॉर फर्स्ट रीडिंग, 16 डेज फॉर सेकेंड रीडिंग एंड 8 डेज फॉर थर्ड रीडिंग. इस तरीके से पहले लॉट ऑफ स्टूडेंट्स के लिए अभी तक इफ यू टेक इन चार्ज ऑफ द अपकमिंग फ्यू डेज, अभी तक 100% हो सकता है. डोंट अलाउ योर डेज टू कंट्रोल यू. यू नीड टू बी इन द कंट्रोल ऑफ द डेज. इन फैक्ट कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो, फॉर द नेक्स्ट 60 डेज आई वोंट अलाउ माई डेज टू कंट्रोल मी. आई एम गोइंग टू बी इन चार्ज ऑफ एवरी सिंगल बिट, एवरी सिंगल सेकेंड ऑफ द नेक्स्ट 60 डेज. नंबर 2, स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं. एक दो सब्जेक्ट ग्रुप 1 के पढ़ लिए हैं, एक दो सब्जेक्ट ग्रुप 2 के पढ़ लिए हैं. अभी SFM पढ़ रहे हैं तब उनको FR याद आ रहा है, FR पढ़ रहे हैं तब उनको SCMP याद आ रहा है. रैंडम चीजें दिमाग में चल रही, इसीलिए कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे. इसलिए स्पीड कम हो रही है इसलिए कि पूरी की पूरी एफिशिएंसी की बैंड बज रही है बॉस. तो आपको क्या करना है, मेरे साथ भी ऐसे होता था. हाँ, ये मैं आपको यहाँ पे बोल रही हूँ, बट दिस इज समथिंग विच इज वेरी नॉर्मल, वेरी नेचुरल, बिकॉज 8-8 सब्जेक्ट है अपने पास पढ़ने के लिए. कहीं ना कहीं किसी और सब्जेक्ट का डर अपने को सताता रहता है. तो मैंने इसके लिए क्या सोल्यूशन निकाला था, रैंडम टेस्टिंग. आई यूज टू रैंडमली टेस्ट माई सेल्फ. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं FR कर रही हूं, तब अगर मुझे फॉरेक्स का डर लग रहा है, सपोज डेरिवेटिव्स का डर लग रहा है सपोज, तो मैं रैंडमली वो फॉरेक्स का या डेरिवेटिव्स का टेस्ट देना शुरू कर देती थी. इसके 2 फायदे होते थे मुझे, कि या तो सपोज मुझे बहुत अच्छे मार्क्स मिल गए तो कॉन्फिडेंस आता था, और वो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली जो मेरा करंट सब्जेक्ट है उस पर चैनलाइज हो जाता था. और सपोज मार्क्स नहीं मिले, कम मार्क्स मिल रहे, एटलीस्ट मुझे समझ में आता था कि नहीं यार, रियलिटी चेक मिलता था कि अभी तक मुझे उस सब्जेक्ट का उस चैप्टर पे फोकस करना बहुत नेसेसरी है. तो बोथ द
साइड से मेरे लिए ही विनविन था. तो अगर आपको भी ये कंफ्यूजन है तो स्टार्ट टेस्टिंग योरसेल्फ, स्टार्ट रैंडमली टेस्टिंग योरसेल्फ. इनफैक्ट मैं आपके लिए एक चैलेंज लेके आई हूँ, 50 days 50 tests का चैलेंज. हर सिंगल डे आपको एक टेस्ट देना है, फिर वो रैंडम टेस्टिंग हो, ऐसे एरियाज हो जहां पे आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, वी आर गोइंग टू स्टार्ट टेस्टिंग आवरसेल्फ. सो इफ यू आर अप फॉर दिस चैलेंज, 50 days 50 test चैलेंज, कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई एम अप फॉर दिस 50 day 50 test चैलेंज. चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज है गाइस, पोर्शन वाइज टेस्ट सीरीज है, आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा. आई एम टेलिंग यू, इतने सारे स्टूडेंट्स लास्ट 2 महीने से टेस्ट दे रहे हैं, उनका जो पढ़ाई का फ्लो है ना बॉस, 1-2 रीडिंग खत्म कर चुके हैं, उनको उनके सामने उनका इवैल्यूएशन है, उनको उनकी वीक एरियाज पता है. लास्ट अटेम्प्ट पे भी इतने सारे बच्चों ने ये टेस्ट सीरीज दी, बहुत अमेजिंग रिव्यूज है टेस्ट सीरीज के. गाइस दिस इज द राइट टाइम, टेस्ट देते हो ना तो आपके सामने वो फियर भी रहता है कि दिन भर क्वालिटी स्टडीज करनी है, तो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा. अमेजिंग फीचर्स है टेस्ट सीरीज के, जैसे कि यहाँ पे आपको पर्सनलाइज एडमिन पैनल मिलता है, क्वेश्चन पेपर्स, आंसर शीट, सजेस्टेड आंसर्स एक ही जगह पे स्टोर्ड है. मैं जो पढ़ाई करती थी, जैसे कि आई नीडेड टू पिनपॉइंट कि मेरी गलतियां कहाँ हो रही है, यू विल अंडरस्टैंड यार, अक्टूबर मंथ में अगर आपको देखना है कि कहाँ पे क्या गलती हुई है, आपको एक ही जगह पे सब कुछ स्टोर्ड मिलेगा. आपके हर पेपर को हम लोग रेड, ऑरेंज और ग्रीन कलर्स में फ्लैग कर रहे हैं. रेड और ऑरेंज थोड़ा सा रेड फ्लैग है आपके लिए, दोज आर अंडर परफॉर्म पेपर्स. आपको समझ में आता है कि मेरा कौन से चैप्टर में गलती कमिट हो रही है, तो बहुत यूजफुल रहेगा आपके लिए फीचर. इनफैक्ट ये वाला फीचर बहुत स्टूडेंट्स को यूजफुल रह रहा है. एडिशनली हमने इस बार पर्सनलाइज्ड असेसमेंट रिपोर्ट दे रहे हैं, स्ट्रेंथ्स और वीकनेस तो बताते हैं, उसके साथ साथ कॉन्सेप्ट्स, प्रेजेंटेशन, लैंग्वेज के हिसाब से हम आपको रेटिंग्स दे रहे हैं, सो दैट यू अंडरस्टैंड कि मुझे कौन से एरिया पे अभी तक काम करना जरूरी है, बिकॉज इंस्टीट्यूट आपको हर एंगल से इस बार चेक कर रहा है. इनफैक्ट रिसेंट 2-3 अटेम्प्ट से इंस्टीट्यूट इज चेकिंग यू फ्रॉम ऑल द साइड्स दीज डेज. तो इसलिए ऐसे लेवल के पेपर सेट किए जाते हैं, चेक किए जाते हैं यहाँ पे. ये पर्सनलाइज रिपोर्ट तो हम देते ही है, इसमें और डीप डाइव करने के लिए हमने एक और फीचर लॉन्च किया है, मिस्टेक हाईलाइटिंग सेशंस, जहां पे हर चैप्टर का हर क्वेश्चन में बच्चे प्रिसाइसली कहाँ कमिट कर रहे हैं, गलती कमिट कर रहे हैं कि यार इसमें उन्होंने क्वेश्चन इंटरप्रेट बराबर नहीं किया क्या, इसमें जानबूझ के ये सेंटेंस दिया था जहां पे बच्चे कंफ्यूज हो गए, या फिर आंसर में कुछ और एक्सपेक्टेड था वर्सेस आपने क्या लिख दिया. तो इससे क्या होता है, अब आप खुद की गलतियों से तो सीखते ही सीखते हो, दूसरों की गलतियों से भी सीखते हो. एंड ये वाला फीचर गाइज इट इज माइंड ब्लोइंग, इतने सारे स्टूडेंट्स के लिए गेम चेंजर एक्ट कर रहा है. अब खुद यहाँ पे रिव्यूज देख सकते हो. ऑल्सो हमने एक लीडर बोर्ड फीचर देते हैं जहां पे टॉप 5 रैंक्स निकालते हैं, सो दैट आपको वो मोटिवेशन रहता है कि आई वॉन्ट टू फॉल इन टू दैट टॉप 5 रैंक्स. जैसे आप एडमिन पैनल पे लॉग इन करते हो, अब आपको एक प्रोग्रेस बार दिखता है, यू अंडरस्टैंड मैंने कितने परसेंटेज ऑफ टेस्ट दिए हैं, कितने परसेंटेज ऑफ टेस्ट देने बचे हैं. 2-3 दिन में आपको पेपर चेक करके मिल जाता है, एक शेड्यूल बनाया मैंने टेस्ट का, वो शेड्यूल फॉलो कर सकते हो, आपके हिसाब से भी टेस्ट दे सकते हो. नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रही हूँ, गो चेक इट आउट. तो टू अवॉइड दिस कंफ्यूजन एंड टू गेट दैट क्लैरिटी एंड रियलिटी चेक अहेड, सर्टनली रैंडम टेस्टिंग इज गोइंग टू हेल्प यू. एंड गाइस 30-30 मार्क का एक पेपर है, रोज 1 घंटा रिजर्व रखो, सो दैट यू आर गोइंग टू बी एग्जाम रेडी ऑल्सो लेटर ऑन. अमेजिंग अमेजिंग बेनिफिट्स है इसके. नंबर 3 टाइप ऑफ स्टूडेंट्स आर स्लाइटली फनियर लॉट. जैसे कि एक एग्जाम्पल देती हूँ मैम, सपोज मैंने किसी बच्चे को पूछा कि अकाउंट हो गया क्या, तो बच्चा क्या बोलता है, हाँ मैम अकाउंट्स तो हो गया, सिर्फ सिंगल एंट्री, ब्रांच और डिपार्टमेंट्स छोड़ के. सपोज मैंने किसी सीए फाइनल के बच्चे को पूछा कि एसएफएम हो गया क्या, मैम हाँ हो गया, सिर्फ फॉरेक्स डेरिवेटिव्स पोर्टफोलियो आईआरआरएम छोड़ के. तो क्या कर रहे अपन, वी आर जस्ट कन्विंसिंग आरसेल्स, वी आर जस्ट फूलिंग आरसेल्स कि मेरा तो ये सब्जेक्ट हो गया है, आई एम डन विद दिस, आई एम डन विद दैट. बट एक्चुअली रियलिटी क्या है कि आपने बस 40 मार्क का सिलेबस खत्म किया है, जिसमें से 60 मार्क्स का आता है एग्जामिनेशन में, वो तो अपन ने किया ही नहीं है. तो इन टाइप ऑफ स्टूडेंट्स के लिए मैं स्ट्रैटेजी ऐसी बताऊंगी आपको कि नेक्स्ट 20 डेज में सब छोड़ दो, आप सिर्फ ये 20 डेज में आपको हर सब्जेक्ट का सिर्फ इंपॉर्टेंट एरियाज करने हैं, सिर्फ इंपॉर्टेंट एरियाज जो आज तक आप अवॉइड करते आए हो, जिसमें से ज्यादा मार्क्स का आता है, एंड जो बहुत क्रूशियल एरियाज जिसको अपन ने अभी तक टच ही नहीं किया है. नेक्स्ट 20 डेज में वी आर गोइंग टू पिक जस्ट दीज चैप्टर्स. तो ये 20 डेज में ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हो गए, सितंबर के लास्ट 10 डेज में आपने मिसलेनियस चैप्टर्स कर लिए. तो इससे क्या होगा ना, किसी ये 20 डेज में अगर आपको कॉन्फिडेंस आ गया ना ऐसे एरियाज पे जिसमें से 80 मार्क्स का पेपर आता है एग्जामिनेशन में, दैट इज गोइंग टू गिव यू कॉन्फिडेंस एंड दैट इज गोइंग टू चैनलाइज दैट कॉन्फिडेंस इन टू दैट इफिशियंसी इन द लास्ट 10 डेज ऑफ सितंबर. और फिर अक्टूबर में पैनिक नहीं क्रिएट होगा आपका. तो स्टार्ट चेजिंग द प्रायोरिटी चैप्टर्स नाउ, दैट इज गोइंग टू सर्टनली हेल्प यू. नंबर 4 टाइप ऑफ स्टूडेंट्स आर जिन्होंने पढ़ाई तो कर ली है अभी तक,
दोनों ग्रुप की पढ़ाई कर ली है, लेकिन वो श्योर नहीं है कि अभी आगे कैसे बढ़े। एक रीडिंग तो हो चुकी है लेकिन इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि आगे कैसे बढ़े। मैं आपको बताती हूँ आपके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए नेक्स्ट 20 डेज, लाइक अप्रोक्सीमेटली 20th of September तक आपको कोई भी एक ग्रुप पिक करना है जिसपे आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि चलो यार दिस इज द ग्रुप आई हैव मोर कॉन्फिडेंस अपॉन, तो वो 20 डेज में आपको वो करना है। सितंबर के लास्ट 10 डेज में जो दूसरा ग्रुप है उसके कोई तो दो सब्जेक्ट उठाने हैं जिसमें वी आर गोइंग टू एम एग्जेम्पशन। तो सितंबर मंथ का अपना मेन एजेंडा रहेगा 6 सब्जेक्ट्स एक ग्रुप और दूसरे ग्रुप में जिसमें अपने को एग्जेम्पशन एम करना है। अक्टूबर मंथ में फिर वो रेस्ट ऑफ द 2 सब्जेक्ट्स पिक करेंगे जिसमें वी आर नॉट स्लाइटली, मतलब एज कंपेयर टू दीज 6 सब्जेक्ट्स अपन इतने कॉन्फिडेंट नहीं है उन दोनों सब्जेक्ट्स में। इसके मल्टीपल फायदे हैं, एक तो कि एक ग्रुप अच्छे से हो जाएगा, दूसरे ग्रुप में एग्जेम्पशन सेम करोगे तो वो ग्रुप भी सिक्योर हो जाता है, एंड उसके साथ साथ जो सब्जेक्ट्स नहीं आते हैं वो अक्टूबर में रखोगे तो पैनिक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये सितंबर मंथ में आपने 6 सब्जेक्ट सिक्योर कर लिए होंगे तो जो कॉन्फिडेंस होगा आपके अंदर वो ऑटोमेटिकली चैनलाइज हो जाएगा वो दोनों सब्जेक्ट्स पे, वो फ्लो में फिर वो दोनों सब्जेक्ट्स भी हो जाएंगे। एंड जो लास्ट के 15 डेज रहेंगे अक्टूबर के, वहां पे आप 1.5 डे हर सब्जेक्ट को दे सकते हो। तो इस तरीके से उन स्टूडेंट्स को करना जो दोनों ग्रुप्स देने की कोशिश करें, प्रायोरिटी अप्रोच बिल्ड करेंगे, प्रायोरिटी के हिसाब से आगे बढ़ेंगे, रैंडमली नहीं चलेंगे कि एक सब्जेक्ट ग्रुप 1 का एक सब्जेक्ट ग्रुप 2 का। सो दिस इज हाउ दिस शुड बी द स्ट्रेटजी फॉर यू। एंड लास्ट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स आर बेसिकली इमोशनल फूल्स। यस, इमोशनल फूल्स, कि मैंने सोच लिया है कि बस मुझे दोनों ग्रुप्स देने हैं, मैंने बस सोच लिया है कि मेरी क्लासेस का अता पता नहीं है, मेरी पढ़ाई का अता पता नहीं है, बस मेरे दिमाग में था मुझे दोनों ग्रुप्स देना है इसलिए मुझे दोनों ग्रुप्स देना है, मेरे फ्रेंड्स दोनों ग्रुप्स दे रहे हैं, मेरे पेरेंट्स मुझे फोर्स कर रहे हैं दोनों ग्रुप्स के लिए। गाइज बी प्रैक्टिकल, एग्जाम को 2 महीने भी नहीं बचे, अभी 50-55 डेज बचे हैं, तो प्लीज कोई भी इमोशनल कॉल्स मत लो जस्ट फॉर द सेक ऑफ गिविंग बोथ द ग्रुप्स। अपन बोथ द ग्रुप्स नहीं देने वाले हैं, प्लीज कम इन टू योर सेंसेस। जो मैंने फर्स्ट स्ट्रैटेजी बताई आपके लिए भी वही एप्लीकेबल रहेगी, फर्स्ट 32 डेज फर्स्ट रीडिंग, 16 डेज सेकंड रीडिंग, एंड लास्ट 8 डेज थर्ड रीडिंग। कोई भी ग्रुप पिक करो उस पर प्रॉपर कॉन्फिडेंस लेके आओ, 100% हो जाएगा। ऑटो पेपर देने के चक्कर में प्लीज आप क्या करते हो, ऑटो पेपर देने के चक्कर में एक भी पेपर पास नहीं कर पाते हो, तो उससे इट्स ऑलवेज बेटर लेट्स पिक अप वन ग्रुप और उसको अच्छे से करेंगे, ठीक है। सो ये 5 टाइप ऑफ स्टूडेंट्स थे, मैंने आपको आपकी स्ट्रैटेजी बता दी कि आपको किस टाइप की स्ट्रैटेजी अपनानी है। आप मुझे सिर्फ इतना बताओ आप किस क्राइटेरिया ऑफ स्टूडेंट्स में बिलोंग करते हो, कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड बहुत सारे ऐसे वीडियोस चैनल पे जल्द आने वाले हैं, टिल देन कीप वर्किंग हार्ड, बिलीव इन योरसेल्फ। दिस इज मी साइनिंग आउट, विश यू ऑल द बेस्ट।